बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये फजाइले रमजान का आठवां भाग है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। कब्र का भयानक मंजर। मनकूल है अमीरुल मोमिनीन हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम एक बार जियारते कुबूर के लिए कूफे के कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। वहां एक ताजा कब्र पर नजर पड़ी तो दिल में उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चुनांचे बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह अज्जवजल्ला, इस मैयत के हालात मुझ पर मुनकशिफ यानी जाहिर फरमा। अल्लाह अज्जवजल्ला की बारगाह में आपकी इल्तिजा फौरन मस्मू हुई यानी सुनी गई, और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे तमाम उठा दिए गए। अब एक कब्र का भयानक मंजर आपके सामने था। क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर आप करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम से इस तरह फरियाद कर रहा है, या अली, मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हैदरे कर्रार करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम को बेकरार कर दिया। आप करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम ने अपने रहमत वाले परवरदिगार के दरबार में हाथ उठा दिए और निहायत आजिजी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश की। गैब से आवाज आई, ए अली, इसकी सिफारिश मत करो, क्योंकि यह शख्स रमजानुल मुबारक की बेहुरमती करता, रमजानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज न आता था। दिन को रोजे तो रख लेता मगर रातों को गुनाहों में मुब्तला रहता था। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम यह सुनकर और भी रंजीदा हो गए और सजदे में गिरकर रो रो कर अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मेरी लाज तेरे हाथ में है, इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। मेरे मालिक अज्जवजल्ला, तू मुझे इसके आगे रुसवा ना फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इस बेचारे को बख्श दे। हजरते अली करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम रोकर मुनाजात कर रहे थे। अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में आ गया और निदा आई, ए अली, हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब इसे बख्श दिया। चुनांचे उस मुर्दे पर से अजाब उठा लिया गया। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूं तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है। मुर्दों से गुफ्तगू। अजीज भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हजरते मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम की अजमतो शान के क्या कहने। अल्लाह जल्ला शानहु की अता से आप रदी अल्लाहो ताला अन्हो अहले कुबूर से गुफ्तगू फरमा लिया करते थे। एक और हिकायत पेशे खिदमत है। चुनांचे मशहूर ताबेई बुजुर्ग हजरते सैयदुना सईद बिन मुसैब रदी अल्लाहो ताला अन्हो फरमाते हैं, एक बार हम अमीरुल मोमिनीन हजरते मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम के हमराह मदीने मुनव्वरह के कब्रिस्तान गए। हजरते मौला अली करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। सैयदुना सईद बिन मुसैब रदी अल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमने कब्र से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ। हजरते मौला अली करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई। जिस मकान को तुम ने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। अब तुम अपना हाल सुनाओ। यह सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खाले टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई और हमारे नथनों से पीप बह रही है, और हमने जो कुछ आगे भेजा यानी जैसे अमल किए उसी को पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। रमजान की रातों में खेलकूद। इस्लामी भाइयों, गुज़श्ता दोनों हिकायात में हमारे लिए इबरत के बेशुमार मदनी फूल हैं। जिंदा इंसान खूब फुदकता है मगर जब मौत का शिकार होकर कब्र में उतार दिया जाता है उस वक्त आंखें बंद होने के बजाय हकीकत में खुल चुकी होती हैं। अच्छे आमाल और राहे खुदाए जुल जलाल में दिया हुआ माल तो काम आता है मगर जो कुछ धन दौलत पीछे छोड़ आता है उसमें भलाई का इम्कान न होने के बराबर होता है। बुरसा से यह उम्मीद कम ही होती है
कि वह अपने मरहूम अजीज की आखिरत की बेहतरी के लिए माले कसीर खर्च करें, बल्कि मरने वाला अगर हराम बना जायज माल मसलन गुनाहों के असबाब जैसा कि आलाते मूसीकी, वीडियो गेम्स की दुकान, म्यूजिक सेंटर, सिनेमा घर, शराब खाना, जुए का अड्डा, मिलावट वाले माल का धोखे भरा कारोबार वगैरह पीछे छोड़े, तो उस मरने वाले के लिए मरने के बाद सख्त तरीन और नाकाबिले तसव्वुर नुकसान है। कब्र का भयानक मंजर नामी हिकायत में रमजानुल मुबारक की बेहुर्मती करने वाले का खौफनाक अंजाम पेश किया गया है। इससे दरसे इबरत हासिल कीजिए। आह सदा रमजानुल मुबारक की पाकीजा रातों में कई नौजवान महल्ले में क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेल खेलते खूब शोर मचाते हैं, और इस तरह यह बदनसीब खुद तो इबादत से महरूम रहते ही हैं, दूसरों के लिए भी मुसीबत का बायस बनते हैं। ना तो खुद इबादत करते हैं, न दूसरों को करने देते हैं। इस किस्म के खेल अल्लाह की याद से गाफिल करने वाले हैं। नेक लोग तो इन खेलों से सदा दूर ही रहते हैं। खुद खेलना तो दरकनार, ऐसे खेल तमाशे देखते भी नहीं, बल्कि इस किस्म के खेलों का आंखों देखा हाल कमेंट्री भी नहीं सुनते। रोजे में वक्त पास करने के लिए बाज नादान ऐसे भी होते हैं जो रोजा तो रख लेते हैं मगर उन बेचारों का वक्त पास नहीं होता, लिहाजा वो भी एहतिराम रमजान शरीफ को एक तरफ रखकर नाजायज कामों का सहारा लेकर वक्त पास करते हैं। और यूं रमजान शरीफ में शतरंज, ताश, लूडो, गाने बाजे और सोशल मीडिया के जिए तबाहकार प्रोग्रामों वगैरह में मशगूल हो जाते हैं। याद रखिए, शतरंज और ताश वगैरह पर किसी किस्म की बाजी या शर्त न भी लगाई जाए तब भी यह खेल नाजायज हैं। बल्कि ताश में चूंकि जानदारों की तस्वीरों की ताजीम भी होती है, इसलिए मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाही ताला अलैह ने ताश खेलने को मुतलकन हराम लिखा है। चुनांचे फरमाते हैं, गंजफा पत्तों के जिए खेले जाने वाले एक खेल का नाम और ताश हरामे मुतलक हैं कि इनमें इलावा लहवो लड़प के तस्वीरों की ताजीम है। फतावा रजविया जिल 24 सफा 141। अफजल इबादत कौन सी है? ऐ जन्नत के तलबगार रोजादार इस्लामी भाइयों, रमजानुल मुबारक के मुकद्दस लम्हात को फजूलियात व खुराफात में बर्बाद होने से बचाइए। जिंदगी बेहद मुख्तसर है, इसको गनीमत जानिए। ताश की गड्डियों और फिल्मी गानों के जरिए वक्त पास बल्कि बर्बाद करने के बजाय तिलावते कुरान और जिक्रो दुरूद में वक्त गुजारने की कोशिश फरमाइए। भूख प्यास की शिद्दत जिस कदर ज्यादा महसूस होगी, सब्र करने पर इंशा अल्लाह सवाब भी उसी कदर जायद मिलेगा। जैसा कि मनकूल है, अफजल इबादत वो है जिसमें मशक्कत ज्यादा है। इमाम शरफुद्दीन नवी फरमाते हैं, इबादत में मशक्कत और खर्च ज्यादा होने से सवाब और फजीलत ज्यादा हो जाती है। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अधम रदियल्लाहु ताला अलैह का फरमाने मुअज्जम है, दुनिया में जो नेक अमल जितना दुश्वार होगा, कियामत के रोज नेकियों के पर्दे में उतना ही वजनदार होगा। रोजे में ज्यादा सोना। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैही रहमतुल्लाहि वाली की मियाए सादत में फरमाते हैं, रोजादार के लिए सुन्नत यह है कि दिन के वक्त ज्यादा देर ना सोए बल्कि जागता रहे ताकि भूख और जोफ यानी कमजोरी का असर महसूस हो। अगरचे अफजल कम सोना ही है, फिर भी अगर किसी की हक तलफी न होती हो और कोई माने शरई ना हो तो जरूरी इबादत के अलावा कोई शख्स सारा वक्त सोया रहे तो गुनाहगार न होगा। इस्लामी भाइयों, साफ जाहिर है कि जो दिन भर रोजे में सोकर वक्त गुजारा उसको रोजे का पता ही क्या चलेगा। जरा सोचो तो सही, हुज्जतुल इस्लाम हजरते सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली तो ज्यादा सोने से भी मना फरमाते हैं कि इस तरह भी वक्त फालतू पास हो जाएगा। तो जो लोग खेल तमाशों और हराम कामों में वक्त बर्बाद करते हैं वो किस कदर महरूम व बद नसीब हैं। इस मुबारक महीने की कदर कीजिए, इसका एहतराम बजा लाइए, इसमें खुशदिली के साथ रोजे रखिए और अल्लाह की रिजा हासिल कीजिए। ऐ हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह अज्जवजल्ला, फैजाने रमजान से हर मुसलमान को मालामाल फरमा, इस माहे मुबारक की हमें कदरो मंजिलत नसीब कर और इसकी बेअदबी से बचा। अल्लाह अज्जवजल्ला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला इस माहे मुबारक में हम सभी को ज्यादा से ज्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो को सवाब की नीयत से दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।